आसिफ जरदारी के सदर बनते ही बड़ा किरदार मैदान में आ गया है। क्या आपकी बार भी होगा वही जो पहले हुआ, या फिर बातें होंगी कुर्बतों की? क्या ये एंट्री हुकूमत में ओहदे के लिए है, या फिर दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया जा रहा है? आसिफ जरदारी के सदर बनते ही मारूफ मॉडल गर्ल अयान अली मंजरे आम पर आ गई हैं। बहुत अरसे से रूपोश अयान अली का जरदारी को पैगाम कोई और ही कहानी सुना रहा है। इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। ऐसा मैसेज क्या है कि सियासी और समाजी हलकों में हलचल मच कर रह गई है। यहाँ अहम बात ये नहीं कि अयान अली ने सदर मुमलिकत के लिए पैगाम भेजा है, बल्कि अहम बात ये है कि इस वक्त ऐसा पैगाम भेजने का आखिर मकसद क्या है। अब आपको बताते हैं कि असल पैगाम क्या है और इसके पस पर्दा हकाइक क्या है। अयान अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माजी में पाकिस्तानी अदाकार शान को दिए गए एक इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में सदरे मुमलिकत को गुड मॉर्निंग कहा और साथ उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर दिया है। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि फिल्म स्टार शान के एक सवाल के जवाब में अयान अली ने इंतहाई अदब से सदर जरदारी का नाम लेते हुए कहा था कि वो सदरे मुमलिकत हैं और हम सबको उनसे बे इंतहा प्यार भी है। साथ ही साथ उन्होंने शान को मुस्कुराते हुए आसिफ जरदारी के बारे में सवाल न करने का भी कह डाला। बरसों बाद इस पोस्ट के कैप्शन में अपनी बात दोहराते हुए अयान अली ने कहा कि जरदारी एक बार फिर सदरे मुमलिकत बन गए हैं और हमें उनसे बे इंतहा प्यार और मोहब्बत है। ये खुल्लम खुल्ला प्यार की बातें इस वक्त एक नई कहानी बयान कर रही हैं और ये कहानी पहले भी मीडिया की जीनत बन चुकी है। सियासी पंडितों का कहना है कि ये पैगाम बस इतना ही नहीं था, अभी कहानी में मजीद बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। आगे देखिए होता है क्या।